नमस्ते मैं हूँ रेणुका तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आपने आलू से बने नाश्ते तो बहुत बार खाए होंगे तो आज मैं आपको सिर्फ एक कच्चे आलू से ढेर सारा बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा नाश्ता बना के दिखाने वाली हूँ जो आप अपने पूरे परिवार के लिए बना सकते हो और ये बहुत ही कम तेल में बनने वाला बिल्कुल ऑयल फ्री ऐसा नाश्ता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ये स्वादिष्ट नाशा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कच्चा आलू लिया है तो अगर आप इस रेसिपी में आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी आलू ले सकते हो तो सबसे पहले अभी हमें इस आलू में पानी डालना है और इस आलू के हमें अभी सारे छिलके निकालने हैं तो आप ये रेसिपी आलू के छिलके निकाले बिना भी बना सकते हो उससे भी ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी तो यहाँ मैंने आलू के सारे छिलके निकाल लिए हैं फिर उसके बाद हमें एक बाउल लेना है और इसमें हमें एक गिलास पानी डालना है और इस आलू को अभी हमें कद्दूकस से कीच लेना है तो यहां मैंने आलू को पूरी तरह से किस लिया है तो अभी हमें इस किस को ऐसे ही पानी में रहने देना है नहीं तो ये काला पड़ जाएगा फिर हमें ये रेसिपी बनाने के लिए एक बाउल लेना है और इसमें हमें ढाई कप गेहूं का आटा डालना है तो मैं ये रेसिपी बनाने के लिए गेहूं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप चाहो तो गेहूं आटे की जगह यहाँ मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें चार चम्मच बेसन डालना है फिर अभी हमें ये रेसिपी और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डालने हैं तो सबसे पहले हमें इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने हैं फिर हमें इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालना है फिर हमें इसमें एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालने हैं फिर उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच जीरा डालना है तो आप यहां जीरे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार बारीक कटके हुए हरी मिर्च डालनी है तो हमें इसमें हरी मिर्च ज्यादा नहीं डालनी है तो ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाली हुई है फिर हमें इसमें आधा कप बारीक कटकी हुई हरी धनिया डालनी है फिर आखिर में अभी हमें इसमें किसा हुआ सारा आलू डाल देना है मैंने यहाँ रेसिपी बनाने के लिए सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया है तो चाहो तो आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हो जैसे पत्ता गोभी हो गाजर हो मटर हो या पालक हो फिर अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है फिर हमें इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस आटे को अभी हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है तो अभी मैंने यहाँ आटे को पूरी तरह से गूंध लिया है फिर हमें इसमें दो चम्मच तेल डालना है और फिर से अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस आटे को अभी हमें 10 मिनट से के लिए ऐसे ही भिगने के लिए रख देना है तो अभी यहाँ दस मिनट हो चुके हैं और ये आटा अभी अच्छी तरह से भीग चुका है फिर उसके बाद अभी हमें इस आटे के गोले बनाने हैं तो मैंने यहाँ इस आटे के अभी इस साइज में गोले बना लिए हैं तो हमें सारे आटे के गोले बना लेने हैं तो अभी हमें इन गोलों को तेल या सूखा आटा लगा के इन्हें बेलना है तो हमें इन्हें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है थोड़ा जाड़ा ही बेलना है तो आप इसे कच्चे आलू के पराठे भी कह सकते हो तो मैं अभी इसे गोल आकार में बेल रही हूँ तो चाहो तो आप इन पराठों को गोल आकार में नहीं तो चौकोनी या त्रिकोणी आकार में भी बेल सकते हो आप इन पराठों को अपने पसंद से जो चाहे डिज़ाइन में बना सकते हो तो यहाँ मैंने पराठे को पूरी तरह से बेल लिया है फिर अभी हमें इन पराठों को सेकना है तो उसके लिए हमें गैस पर तवा रखना है फिर तवा गर्म होने के बाद हमें इसमें एक पराठे डालने हैं फिर अभी हमें इन पराठों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है तो यहाँ अभी ये पराठा एक तरफ से अच्छी तरह से सेक चुका है फिर उसके बाद अभी हमें इसके ऊपर चम्मच से तेल या घी लगाना है और इसे हमें चम्मच से पलट देना है और इस पराठे को हमें दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से घी या तेल लगाना है और इन पराठों को हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेना है तो अभी यह ये पराठा बनके तैयार हो चुका है तो आप इसे गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ या अचार के साथ दही के साथ नाश्ते में या सिर्फ चाय के साथ सर्व कर सकते हो तो आप इन पराठों को एक बार बना के भी रख सकते हो तो तीन चार दिन तक ये ख़राब नहीं होंगे और आप इन्हें बाहर पिकनिक पे जाते वक्त भी बना के ले जा सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो